my dear students discussion ho hai professor peter drucker ke ideas ki. professor edward deming has its own way of putting things together what is the purpose of business and how value should be added by the managers har aadmi ke peter drucker giving his thoughts to the managers of united states organizations प्रोफेसर पीटर एडवर्ड डेमिंग गिविंग हिज थॉट्स टू द मैनेजर्स वर्किंग इन द जापानीज़ ऑर्गेनाइजेश मुझे यू कहने दीजिए कि फ्रेडरिक टेलर 1911 हेनरी फॉयल 1910 दोनों इंजीनियर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो आइडियाज थे जिसने मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक परस्पेक्टिव के साथ पेश किया एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया प्रोफेसर पीटर ड्रकर ने बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट एक उसमें फिलोसॉफिकल टच दे दिया जब आप कहते हैं ना व्हाट इज पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है ना तो साइंस में फिलॉसफी कहां से आ गई फिलॉसफी में तो एक फिर एब्स्ट्रैक्ट सी डिस्कशन होगी ना लेकिन प्रोफेसर पीटर ड्रकर गेव वे टू तो द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल क्यों इसलिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी नहीं होती सारे मैनेजर्स एक जैसे नहीं होते कंटीजेंसी थ्योरी हमें बता चुकी है कि फैक्टर्स आर डिफरेंट Regions are different, sectors are different, cultures are different, attitudes and behaviors are different. So, this means when these are the different variables, the philosophy is different. Japanese way of doing work, philosophy is different, Chinese way of doing philosophy is different. American way of doing philosophy is different. अमेरिकन वे ऑफ डूइंग फिलोसफी डिफरेंट बल्कि अमेरिकन मैनेजर्स को बताया जाता है कि तुमने अगर मिड ईस्ट में जाना है और जाकर वहां कोई एमओ यू साइन करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट लेना है तो जाती मुंह फट मत हो जाना और जाती अपने प्रोजेक्ट की बात मत करना उसके साथ बैठो उससे पूछो क्या हाल है कोई चाय शाय पियो और फिर पूछो क्या तो दस पंद्रह मिनट जैसे कहते हैं ना ओपनिंग स्टेटमेंट लेकर आओ कल्चर है ना कल्चर डिफरेंट है तो प्रोफेसर पीटर ड्रकर ब्रॉड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट तो फिलोसॉफी भी आ गई हिज मैथड्स गेव वेज टू द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल विच वर अनकॉमन एट दैट टाइम साइंटिफिक थिंकिंग में तो देखिए रैशनल थिंकिंग है ना टू प्लस टू शुड बी फोर यस, मैथमेटिकली स्पीकिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव में टू प्लस टू इज फोर बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ टू प्लस टू पीपल मे नॉट बी इक्वल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फोर पीपल बल्कि वो दो अगर मिल जाए या चारों ही मिल जाए तो हो सकता है कोई एक के बराबर भी काम ना करें लुक बिजी डू नथिंग कर लें आप क्या करेंगे तो इंसानों की दुनिया के अंदर फिर साइंटिफिक थिंकिंग रैशनल थिंकिंग प्रोग्रेमेबल थिंकिंग रोबोटिक थिंकिंग मैकेनिस्टिक थिंकिंग विल नॉट वर्क लेट्स ब्रिंग इन द फिलोसॉफिकल आइडियाज एज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर पीटर ड्रकर ही शोड दैट फिलोसॉफी हैज ए प्लेस इन मैनेजमेंट थिंकिंग इन अदर वर्ड्स वेन यू आर डिवेलपिंग मैनेजमेंट थ्यूरीज Bring in the philosophy. Philosophical thinking is at a higher level. And when you speak of philosophy, philosophy of societies, philosophies of people, philosophies of life of people, philosophies of purpose of life of the organization will be different. So, both diversity are there. Drucker was different than Taylor and Foyle and he believed in management he thought that manager has a distinct responsibility he is not only responsible to the organization or to the ceo but he is also responsible to the overall society aaj bhi note japan ke managers milenge jo resign salary or your society. These philosophical differences, when they were coming out, the management thinker and management professors were forced to think about those theories, those thoughts which will motivate the managers. This helped scholars to give more attention to activities and the task and the responsibilities of the managers shifting away from the organizations to the managers in other words discussion now is more to the person managing the resources the person managing the people the person managing the process and the person behind the gun, gun is a machine. The person behind the gun is very important. His attitude, his behavior, his personality, think of it philosophically, is very different. Thank you.